वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। प्रेपोजिशन की सीरीज कर रहे थे हम लोग। प्रेपोजिशन में हमने बहुत सारे प्रेपोजिशन पढ़े हैं, तो आज उन प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। उनका मीन सेम है लेकिन अंतर बहुत अलग, और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से आता है। और क्वेश्चन में आपको छोटा सा एरर डाल देंगे या क्लोज टेस्ट के अंदर आपको एरर डाल देंगे और पूछ लेंगे कि इसका इसके अंदर अक्रॉस आएगा या थ्रू आएगा। तो आज हम अक्रॉस और थ्रू के बारे में जानेंगे, अक्रॉस का यूज़ कहाँ होता है और थ्रू का यूज़ कहाँ होता है। तो देखो, दोनों का मीन सेम होता है। अक्रॉस का मतलब भी के पार और थ्रू का मतलब भी के पार। अगर मैं इसका हिंदी में मतलब निकालूँ तो अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है, के पार, और थ्रू का मतलब भी क्या होता है, के पार। दोनों का मतलब क्या होता है, थ्रू, थ्रू और अक्रॉस, अक्रॉस दोनों का मतलब होता है के पार। देखो, प्रेपोजिशन में मैंने आपको बहुत सारे प्रेपोजिशन पढ़ाए हैं और सबको मैं कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपके कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखो, अक्रॉस का मतलब के पार, थ्रू का मतलब, अब समझो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई नदी है, ये एक नदी है, ठीक है। अब देखो, नदी है, इस नदी को यहां से पार करके, ये पार करके ऊपर से जाएगा, नदी के अंदर से तो नहीं जा रहा, लेकिन ये नदी के ऊपर से जा रहा है। यानी कि एक मान लो एक ब्रिज बन रखा है, यहां पे एक ब्रिज बन रखा है ना, नदी के इस छोर से उस छोर पे एक ब्रिज बन रखा है। या मैं यहां से यहां इस नदी के, यानी इस नदी के अंदर से नहीं जा रहा हूं, इस यहां से यहां तक कुछ भी, मान लो यहां से यहां तक कोई दृष्टि जा रही है, मैं कुछ देख रहा हूं, या यहां पे मान लो मेरा मकान है, यहां पे एक मेरा मकान हो गया, ठीक है। तो अब देखो, यहां जो मतलब जब अंदर से ना होकर ये सीधा इसके ऊपर से होता है लेकिन के पार होता है, अंदर से ना होकर इसके क्या होता है, ऊपर से होता है लेकिन के पार होता है, वहां पे आप अक्रॉस का यूज करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं अक्रॉस। एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर। माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर, यानी कि जो मेरी सिस्टर है वो कहाँ रहती है, नदी के उस पार रहती है। यानी कि मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ रहती है, नदी के उस पार रहती है। तब आप वहाँ पे किसका यूज करोगे, अक्रॉस का यूज करोगे। एक सी समझ में आ गया। दूसरा इसका यूज होता है एक छोर से, यानी कि मैं बता रहा था ना आपको, यहीं इस छोर से इस छोर तक जो ब्रिज बन रखा है, यानी कि इस छोर से इस छोर तक बन रखा है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक इसका यूज होता है, है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि द ब्रिज हैज बीन बिल्ट, द ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। यानी कि जो ब्रिज है वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बन चुका है। देखो प्रेजेंट के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर दे रखा है ये सीधा सीधा सेंटेंस, द ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। यानी कि जो ब्रिज है वो नदी के इस छोर से लेके इस छोर तक बन चुका है। यानी आप अब इस ब्रिज पे चढ़ के इस पार से उस पार जा सकते हो। तो ये तो था एक अक्रॉस का यूज। अब देखो, थ्रू और अक्रॉस में डिफरेंस क्या है और थ्रू और अक्रॉस में सिमिलरिटीज क्या। सिमिलरिटीज सिर्फ हिंदी की है, इसका मतलब के पार होता है और थ्रू का मतलब भी के पार होता है। अब थ्रू को समझते हैं, अक्रॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रू। देखो, अक्रॉस आपको समझ में आ गया, अक्रॉस मैं मिटा दूं आपको, अक्रॉस ये समझ में आ गया, इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। अब देखो, अक्रॉस तो हो गया आपके, थ्रू देखते हैं थ्रू का मीन्स क्या होता है। देखो, अब थ्रू का मतलब मैंने बताया था हिंदी में के पार होता है, थ्रू का मतलब के पार। अब के पार, उसका भी के पार था, इसका भी के पार। तो देखो समझो, जैसे मान लो मैं एक ये रिंग बना दे रहा हूं, अब मैं इस रिंग में से यहां से निकल के अगर कहीं जा रहा हूं अंदर से,
यानी कि इसके अंदर से जा रहा हूं, तब वहां पे आप किसका यूज करोगे, थ्रू का यूज करोगे, यानी कि कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, ये माध्यम है, क्या है, माध्यम, यानी कि कोई ना कोई आपके पास क्या होना चाहिए, माध्यम यानी मीडियम आपके पास में, मीडियम आपके पास में होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे मान लो माध्यम होता है, आई वेंट माई विलेज थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, आई वेंट माई विलेज थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि मैं मेरे गांव गया था किसको पार करके, विलेज को पार करके, है ना, पार करके, सॉरी फॉरेस्ट को पार करके, यानी जंगल में से। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, में से, हिंदी में निकालोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, में से, यानी कि मैं जंगल में से होकर मेरे गांव गया था, यानी मैं मेरे जंगल, मतलब मैं जंगल में से होकर कहाँ गया था, मेरे गांव गया था। अब देखो यहाँ पर आपको थ्रू का मीन समझ में आ रहा है। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, देखो किताबों में आपके बहुत सारे अलग अलग रूल देंगे, लेकिन मैं आपको यही इस रूल से समझाता हूँ, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके अंदर से, यानी कि अब आप ऐसा नहीं कि खुद अंदर घुसोगे, ना कोई रिंग है इसके अंदर खुद घुसोगे, मान लो मैं ऐसे मान लो कि जैसे मैं, मुझे अखबार से कोई न्यूज़ पता चली, मैं से बस इतना सो पकड़ लो। ये अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो थ्रू का मीन्स एक और निकाल देता हूं मैं से, थ्रू का मतलब मैं से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे मान लो मैं से का सेंस आ गया, वहां पे आप किसका यूज करोगे, थ्रू का। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं से यानी खुद तो अंदर जाने से रहा, अब मान लो जैसे मुझे कोई अखबार से कोई न्यूज पता चल रही है, यानी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना, तुम्हारे बारे में सुना, अब मीडियम क्या था सुनने का, मैंने किताब पे पढ़ा या मैंने पोस्टर पे देखा या कहीं भी देखा हो, लेकिन मेरा जो मीडियम था, जो माध्यम था, वो मुझे पता है। जैसे मैंने तुम्हारे बारे में कोई अखबार से पढ़ा, न्यूज पढ़ी, तो आई न्यू अबाउट हिम या अबाउट यू थ्रू द न्यूज पेपर। देखो समझो, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल जैसे आई न्यू मुझे पता चला, I knew about you through the newspaper. I knew about you through the newspaper, यानी मुझे पता चला तुम्हारे बारे में किससे, newspaper से, यानी कि मुझे newspaper से तुम्हारे बारे में पता चला। अब देखो मान लो मैं पोस्टर पे, मैं मार्केट जा रहा था और पोस्टर दिखा मुझे, और पोस्टर पे मैंने देख लिया के पोस्टर पे आपकी फ़ोटो छप रखी है और आप बहुत बड़े फेमस हो गए, और रात को सपना देखा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, और कल मैं उठा, आप सो रहे थे, मैं उठा और मैं बाहर जाके देखा और आपकी पोस्टर पे फ़ोटो छप रखी है, तो मुझे पता चला कहाँ से, पोस्टर से, कि आप क्या बन गए हो, बहुत बड़े स्टार बन गए हो। तो मुझे पता चला ना, मेरा मीडियम क्या था, पोस्टर था, यानी मेरा मीडियम क्या था, पोस्टर, तो उस माध्यम से मुझे पता चला, तो मैं क्या बोलूँगा, I knew about you through the poster, ठीक है, यानी कि आपका मीडियम होना चाहिए थ्रू, सिर्फ इसीलिए यूज होता है, के पार के सेंस में तो बहुत कम, के पार के सेंस में तो आप इतना सा ध्यान रखो कि जंगल से पार, जंगल में से निकल रहा है, किसी नदी नाले में से निकल रहा है, आप मार्केट से जा रहे हो, जैसे मान लो जैसे कोई मान लो कोई बेगर है, कोई भिखारी, जैसे रमेश, मान लो रमेश वेंट थ्रू द मार्केट। एक तो मैंने ये लिखा रमेश वेंट थ्रू द मार्केट, यानी रमेश गया था मार्केट से होकर गया था, मार्केट में से गया था, यानी कि मार्केट से गुजरते हुए वो चला गया था, तब वहां पे आप किसका यूज करोगे, थ्रू का यूज करो। चलो देखो मैं आपको एक चीज, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें समझाता हूँ, ये आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ में रखो ताकि ये कंसेप्ट जो है वो आप उतार लो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आपको नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी आपको अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थ्रू देखो, अब मैंने बोला आई लव
सॉरी आई वॉक्ड टू द गार्डन, आई वॉक टू द गार्डन, यहाँ डाल दिया मैंने अक्रॉस, थ्रू थ्रू, आई वॉक टू द गार्डन अक्रॉस थ्रू द फॉरेस्ट या थ्रू द वुड्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले मतलब कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आई वॉक टू द गार्डन अक्रॉस थ्रू, दोनों का यूज करना है द वुड, वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट है ना, वुड का मतलब होता है जंगल, यानी आई वॉक टू द गार्डन, यानी कि मैं गार्डन तक गया, यानी कि मैंने गार्डन तक मैं चलता चलता गया, अक्रॉस थ्रू द वुड, अब देखो अक्रॉस आएगा या थ्रू आएगा, अब जंगल है तो जंगल के ऊपर से तो उड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो कोई चमत्कार कोई मिरेकल ही होगा तभी वो उड़ के जाएगा, तो उड़ के नहीं जाएगा तो अक्रॉस तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो थ्रू यानी जंगल में से माध्यम, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, मे से यानी कोई माध्यम हो तो आपको किसका यूज करना है, मे से यानी कि थ्रू का आप वहाँ पे यूज करोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, छोटा सा कंसेप्ट है बिल्कुल, अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ज़रूरत है आप प्लीज़ उनको ये चैनल आप मतलब ये वीडियोज़ है वो उन तक पहुँचाइए, और समझ में नहीं आए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।